हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वांड्स टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी अब स्टार्ट हो चुकी है और सीबीआई का इस वक्त सबसे जो अहम किरदार है वो यह है कि वो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो कुक है इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। इन दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, विरोधाभास है उनके स्टेटमेंट्स में, इसलिए सीबीआई बहुत ही सख्ती से इन दोनों से पूछताछ कर रही है आमने सामने बिठा करके। अब सवाल ये होता है कि क्या ये लोग जो बात सीबीआई को बता रहे हैं, जो विरोधाभास इनकी बातों में हो रहा है, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये दोनों लोग मिले हुए हैं? क्या बात छुपाना चाह रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए ये बात हम जानते हैं कि इन दोनों के स्टेटमेंट में क्या विरोधाभास सामने आ रहा है और क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है कि सच्चाई कुछ और है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। लॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रेमस, प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल को। और एक रेड कलर का बॉक्स है, उसके नेक्स्ट बेल है, उस पर ऑल पे क्लिक करिए और आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेगी। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी और उनका जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनका जो कुक था नीरज, इन दोनों के जो स्टेटमेंट्स में इतना डिफरेंस आ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है इसके पीछे, क्यों इनके स्टेटमेंट्स में इतना डिफरेंस है? लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, ऑलराइट, प्लीज टेल मी व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, सिद्धार्थ पिठानी एंड नीरज, इन दोनों के स्टेटमेंट में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या ये कोई बात छुपा रहे हैं? क्या ये कोई बात छुपा रहे हैं? दो और कार्ड निकालेंगे हम। लॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रेमस, प्लीज गिव मी टू मोर कार्ड्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स प्लीज, वन एंड टू। क्यों है इनके इनके स्टेटमेंट में इतना डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब यह है कि ये कोई ना कोई बात छुपाना चाहते हैं। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से यहाँ बच्चे से दिख रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज जो आई है, अगर आप लोगों को पता हो, जो ये खबर आई है मैंने भी सुनी है कि ट्वीट किया गया है, शिवानी ने ट्वीट किया है और उज्जवल जो है उनको भी उन्होंने टैग किया है, उज्जवल जी को, और उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह ने एक उनके एनजीओ में कोई लड़की थी जिसको बचाना चाहते थे वो, जो दिशा साल्यान जो है उसकी, जो जिस पार्टी में वो गई थी वहां पे माइनर लड़कियां आई हुई थी एंटरटेनमेंट के लिए, जो जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं इन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए माइनर लड़कियां आई हुई थी, तो ऐसा न्यूज सुनने में आया है। और उनमें ही एक जो थी वो एनजीओ सुशांत सिंह राजपूत के एनजीओ में थी वो लड़की। तो ये कार्ड जो है इसमें आप ये देखिए, ये बच्चे से यहाँ लग रहे हैं तो ये सुशांत की एनर्जी हो सकती है और ये एनजीओ के बच्चे हैं। तो हाँ, ये जो न्यूज आया है बेसिस दैट न्यूज, अगर हम इस कार्ड को कोरिलेट करें तो हाँ, हम ये चीज इसमें समझते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके एनजीओ की जो लड़की थी, जो अभी न्यूज में आ रहा है, ट्विटर में आ रहा है, आप सबने भी सुना ही होगा, तो उसको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे वो एनर्जी उनकी है। और ये जो बच्ची है इसको बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत आगे आए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक काइंड हार्टेड पर्सन थे। ऐसी और भी लड़कियां होंगी जो इस रैकेट में होंगी, तो जिन्हें वो बचाना चाहते थे, तो ये एक राज था जो सुशांत सिंह राजपूत करना चाहते थे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये लोग जो हैं ये डर रहे हैं ये राज ना खुल जाए, ये राज पता ना चल जाए पुलिस को, सॉरी सीबीआई को। पुलिस को तो खैर मतलब ही कोई नहीं है, अगर ये उन्हें वो नहीं चाहते कि सीबीआई को पता चले, इसीलिए वो ये सब जो झूठ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि सीबीआई को अगर ये पता चल गया तो जस्टिस होगा, और जस्टिस होगा तो पता चल जाएगा कि रिया चक्रवर्ती के साथ और कौन मौजूद है, कौन है जो पावर में है, कौन है जो ये मुकुट पहन के पावर में है इस समय, कौन है वो पर्सन, तो वो एक्सपोज हो जाएगा। और इसीलिए नहीं बता रहे। अब ये दो कार्ड्स को अगर मैं रिलेट करूं तो मैंने पहले भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत डेफिनेटली किसी मीडिया पर्सन से बात करने वाले थे, और ये चीज बताने वाले थे कि वो एक्सपोज करने वाले थे उन लोगों को जिन्होंने गलत किया था दिशा के साथ, और जो उनके एनजीओ की लड़कियों को भी गलत तरीके से गलत काम करवा रहे थे। तो यहाँ पे सुशांत, आप सोच लीजिए, ये बच्चे हैं और ये सुशांत, ये कोई बच्चा है, इसको बचाना चाह रहे हैं या इसके साथ हैं, खड़े हैं, और ये मीडिया को ये अपडेट देने वाले थे अगले दिन। तो ये राज है जो ये दोनों छुपा रहे हैं, और इस राज को छुपाने के चक्कर में
इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ये दोनों के दोनों की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप जो बोलते हो आपकी आपकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी बोलते हो, एकदम कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो इस चीज से ये लोग बच रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रिवीलिंग एनी इन्फॉर्मेशन, दे आर बीइंग वेरी पेक्यूलर अबाउट इट, दैट्स व्हाई। यही कारण है कि सिद्धार्थ पिटानी और नीरज इन दोनों की जो बातें हैं वो इनमें विरोधाभास है, क्योंकि एक कुछ कह रहा है एक कुछ, क्योंकि बोलने का कार्ड है कि कुछ बोल दिया, कुछ कुछ स्टूपिड बोल दिया, कुछ अराज की बात खोल दी, इस चीज से ये लोग डर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डर रहे हैं ये पता ना चल जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के एनजीओ की वो लड़की थी जो अरेबियन सी में, जो एक एडवोकेट ने भी दावा किया है कि उनकी डेड बॉडी मिली है, 15 से 16 साल की वो लड़की थी। तो ये न्यूज सुशांत बताने वाले थे कि एनजीओ की लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, उनको एक्सपोज करने वाले थे मीडिया के सामने, ये मीडिया से उम्मीद कर रहे थे कि वो करेंगे, लेकिन मीडिया में ही कोई पर्सन उनका ही चमचा निकला और उसने सुशांत सिंह राजपूत की असली की बात उन्हें बता दी कि सुशांत सिंह राजपूत संडे मॉर्निंग में ऐसे करके मीडिया को बुलाएंगे और उन्हें एक्सपोज करेंगे, और वो लड़की भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, इसलिए दो डेड बॉडीज हमें मिली थी, ये लड़की उन्हीं के पास थी, और भी लड़कियां हैं आप देख सकते हैं, सिर्फ वो अकेली नहीं थी, और भी लड़कियां थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ने इस लड़की को बचाया, इस लड़की को भी मार दिया और सुशांत को भी मार दिया उन्होंने, ताकि उनका ये रैकेट जो है ये सामने ना आ सके इसलिए। और सुशांत सिंह राजपूत ने डेफिनेटली किसी मीडिया पर्सन को कॉन्टेक्ट किया था जो कि इन लोगों का गुलाम है, जो ये पावर में है इनका गुलाम है, और उसने सुशांत सिंह राजपूत को ही मरवा दिया। ये जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस नहीं हुआ उनके साथ, उनको फूल दिखा करके, ये फ्लावर का उन्होंने तो फ्लावर दिखाया, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने तो फ्लावर दिखाया कि मुझे पीस चाहिए, मुझे इन लड़कियों के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सुशांत को ही मार दिया। तो ये इस बात को छुपाना चाहते हैं, ये एनर्जी है इनकी, अपनी जुबान पे कंट्रोल करके बैठे हैं, डर रहे हैं कि कहीं कुछ निकल ना जाए हमारे मुंह से। तो ये राज है जो ये छुपाना चाहते हैं, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, और इसीलिए इनके स्टेटमेंट में विरोधाभास हो रहा है। लेकिन सीबीआई इस चीज को हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है और सीबीआई उन बेसिस ऑन दोज फैक्ट्स सीबीआई इज वर्किंग। तो ठीक है, यही मुझे जानना था कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं, वो ये राज छुपा रहे हैं जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यही है कारण, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर इज 9899000366। पर्सनल रीडिंग में आप जान सकते हैं अपने जॉब के बारे में, करियर, बिजनेस, आपका अगर कोई प्रॉपर्टी है आप शिफ्ट करना चाहते हो उसमें, तो क्या वो आपके लिए ठीक रहेगी, तो जो भी आपके ऐसे सवाल हैं आप पर्सनल रीडिंग में उससे वो सब जान सकते हैं उनके जवाब। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पे और बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड टेक केयर, बाय नाउ।